बच्चों, आज हम लोग एक भीभीआई टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलम का नियम। तो आज इस भीभीआई टॉपिक को पढ़ते हैं। कूलम का नियम। कूलम्स लॉ। सबसे पहला प्रश्न आता है कि कूलम का नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो कूलम का नियम से हमें दो स्थिर आवेशों के बीच बल का मान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दो स्थिर आवेशों के बीच बल का मान अगर ज्ञात करना हो तब हम लोग किस नियम से ज्ञात करते हैं? कूलम का नियम से। इस प्रकार कह सकते हो कि दो स्थिर आवेशों के बीच बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें कूलम का नियम पढ़ना है। तो चलो देखो कूलम का नियम है क्या। हम लोग दो छोटा वस्तु ले लेते हैं, बिंदुवत वस्तु। सपोज कर लो इस वस्तु पर आवेश कितना है? Q1, और इस पर आवेश कितना है? Q2। इसे कहते हो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। अब दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितना मान लेते हैं? R। अब यह जो दोनों आवेश है या तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा या एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो हम लोग दोनों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल कितना मान लेते हैं? तो कितने आवेश लिए? दो, Q1 Q2। दोनों के मध्य दूरी कितनी है? R। और दोनों के मध्य आकर्षण या विकर्षण बल कितना है? अब चलते हैं कूलम साहब का फर्स्ट लॉ के तरफ। फर्स्ट क्या कहता है? दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात एफ सीधा समानुपाती मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू मॉडुलस ऑफ Q2। इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण एक। तो कूलम साहब का पहला नियम क्या कहता है? दो स्थिर आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात एफ सीधा समानुपाती मॉडुलस ऑफ Q1 इंटू मॉडुलस ऑफ Q2। इसे क्या मान लेते हैं? समीकरण एक। दूसरा नियम कहता है यह बल आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग का
व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इसे समीकरण कितना मान लेंगे? दो। तो दूसरा नियम कहता है कि यह जो बल है एफ, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है आर, इस आर के वर्ग का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। यह बल आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इसे समीकरण मान लेंगे दो। अब तीसरा नियम कहता है यह बल दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि यह बल दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम लोगों ने जो दो आवेश लिया है, दोनों आवेशों के बीच कैसा माध्यम है, उस माध्यम पर बल का मान निर्भर करेगा। और चौथा पॉइंट में कहता है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। फिगर को देखो एक बार। यह जो काल्पनिक रेखा देख रहे हो, यह काल्पनिक रेखा क्या है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। यह जो बल है आकर्षण या विकर्षण बल, यह बल इस रेखा के अनुदिश होगा। हमेशा याद रखना कि यह जो मिलाने वाली रेखा है, इसी के अनुदिश होता है यह बल। अब दोनों समीकरण को देखो, समीकरण एक और दो को, दोनों का एलएचएस समान है, इस कारण आरएचएस गुना हो जाएगा। समीकरण एक एवं दो से यह हो जाएगा एफ सीधा समानुपाती मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस समानुपाती को हटाना है तो कोई नियतांक लेना होगा, तो एक नियतांक ले लेते हैं के। तो एफ बराबर हो जाएगा के मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 और बटे हो जाएगा आर स्क्वायर। इसे समीकरण तीन मान लो, जहां के एक समानुपातीय नियतांक है, के का मान निर्भर करता है दो बातों पर। पहला, माध्यम की प्रकृति पर एवं दूसरा, मात्रकों की प्रणाली पर। तो बच्चों, यहां जो हम लोगों ने एक समानुपातीय नियतांक लिया है के, इस के का मान दो बातों पर निर्भर करेगा।
माध्यम की प्रकृति पर एवं मात्रकों की प्रणाली पर। अब देखो, यदि आवेश निर्वात में स्थित हो तब, यदि दोनों आवेश Q1 Q2 कहां पर स्थित हो, निर्वात में, तब K को हम लोग क्या लिखेंगे, KE लिखेंगे। निर्वात में K को KE लिखना है, सिर्फ K नहीं रहने देना है, KE लिखना है। इस KE को क्या कहते हो, इसे कहते हो स्थिर वैद्युत बल नियतांक या स्थिर वैद्युत नियतांक, या इसी को कहते हो कूलम नियतांक। तो अगर दोनों आवेश निर्वात में होगा स्थित, तो के को क्या लिखेंगे, केई, और केई को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक बोल सकते हो, या स्थिर वैद्युत नियतांक बोल सकते हो, या कूलम नियतांक बोल सकते हो। तो इस प्रकार निर्वात के लिए F बराबर क्या हो जाएगा बतलो तो, K को क्या रखोगे, K को KE रखोगे, यहां जो K है इसके बदले KE रखना है, इस K के बदले KE, तो KE मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 अब बटा हो गया कितना, R2। इसे समीकरण मान लेते हैं 4। अब देखो के ई का मान सबसे पहले CGS प्रणाली में, CGS प्रणाली में के ई का मान कितना होता है, 1, इसीलिए F बराबर हो जाएगा 1 × modulus of Q1 × modulus of Q2 / R2। तो F इक्वल्स हो गया modulus of Q1 modulus of Q2 / R2। तो कूलम का नियम यह हो गया CGS प्रणाली में, किसमें, CGS प्रणाली में। अब देखो SI मात्रक में के का मान होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0। जहां यह जो एप्सिलॉन नट है, इसे कहते हो निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। क्या कहते हो एप्सिलॉन नॉट को, निर्वात या मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता। क्या कहते हो, निर्वात या मुक्त आकाश की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसे इंग्लिश में भी लिख देते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी
ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। अब देखो एप्सिलन नट का मान कितना होता है, 8.854 × 10⁻²⁻ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को तुम लोग लिख सकते हो आठ पांच चार गुना 10⁻²⁰ फैराड प्रति मीटर। क्या लिख सकते हो, फैराड प्रति मीटर, दोनों मात्रक उपयोग में लिया जाता है। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई का मान रखो 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह किसका मान हो गया, के का। अतः एफ बराबर क्या पढ़े हो, के मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 बटा आर स्क्वायर, के का मान रखो दो, तो एफ बराबर हो गया 9 × 10⁹ मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 अब बटा कितना, आर स्क्वायर। यह हो गया कौन सा, कूलम का नियम। अगर हम लोग इसके बदले यह भी रख सकते हैं, डायरेक्ट के ई का मान रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 बटे कितना, आर स्क्वायर। तो अगर हमें थ्योरी में उपयोग करना होगा तो हम लोग इन दोनों में से किसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर सवाल सोल्व करना हो, न्यूमेरिकल्स बनाना हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बना के देख लेते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, +1 कूलम का एक गोलीय आवेशित वस्तु तुम्हारे घर के छत पर स्थित है तथा इतना ही आवेश का एक दूसरा गोला तुम्हारे स्कूल के बिल्डिंग के छत पर स्थित है। यदि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर हो तो आवेशों के मध्य आकर्षण या विकर्षण
बल का मान क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है कि +1 कूलम का एक गोलीय आवेशित वस्तु तुम्हारे घर के छत पर स्थित है तथा इतना ही आवेश का एक दूसरा गोला तुम्हारे स्कूल के बिल्डिंग के छत पर स्थित है। यदि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर हो तो आवेशों के मध्य आकर्षण या विकर्षण बल का मान क्या होगा? अब देखो, यह है तुम्हारा घर, ठीक। इस घर पर एक गोला है, इस गोला पर +1 कूलम का आवेश है। कितना आवेश है? +1 कूलम का। और यह है तुम्हारा स्कूल, यह स्कूल है। यहां भी एक गोला स्थित है, इस पर भी कितना आवेश है? +1 कूलम। और घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो यह दूरी है 1 किलोमीटर। कितनी? 1 किलोमीटर। अब दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण या विकर्षण बल होगा उसी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो दोनों समान आवेश है इसलिए बल विकर्षण होगा, आकर्षण होगा नहीं। और दूसरा कि हमें देखो Q1 का मान कितना दिया हुआ है। Q1 का मान है 1 कूलम। Q2 का मान देखो, यह भी 1 कूलम। Q1 का मॉडुलस ले लिए, Q2 का भी मॉडुलस ले लेना है। और यह जो दूरी है R कितनी है? 1 किलोमीटर। तुम लोग जानते हो किलोमीटर SI मात्रक नहीं है, पहले इसे SI मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 × 10³ मीटर हो गया। अब ज्ञात क्या करना है? बल। तो यहां पर किस नियम से? कूलम के नियम से। तुम लोग जानते हो कि F बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ मॉडुलस ऑफ Q1 मॉडुलस ऑफ Q2 अपॉन R²। सबका मान रख दो। R का मान यह हो गया 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁶, 9 − 6 तो 9 × 10³। और बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, और यहां लिखना होगा विकर्षण, क्योंकि समान आवेश है तो विकर्षण होगा। यही हो गया आंसर। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तुम लोग मन से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। कोई दिक्कत होगा, किसी क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, टॉपिक को नहीं समझ पाओगे, तो कमेंट करके लिखना आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।